यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें रिजल्टेंट जब हमने पहले किए थे तो उसमें रिजल्टेंट क्या आता था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये था हमारे उसके रिजल्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। आज हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस का दूसरा नाम हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट को डॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और क्रॉस को क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये वेक्टर्स रखेंगे हम। तो अब क्या हुआ हमारे पास कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं दो प्रोडक्ट्स, दो वेक्टर्स का सपोज करते हैं ए एंड बी का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। अब आप लोगों को हमेशा अवेयर रहना है कि जब भी आप पूरी फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो आपको ना डॉट लगाना है ना क्रॉस लगाना है। मतलब जब आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हमेशा ब्रैकेट्स लगा के सॉल्व करना है, जैसे 2x plus 3 ब्रैकेट 3x plus 4, तो हमेशा ब्रैकेट शो करनी है। ऐसे नहीं कि 2x plus 3 into 3x plus 4, ऐसे नहीं लिखोगे आप, ठीक है ना। यही रूल है कि हम कभी भी मल्टीप्लीकेशन जो 11th से स्टार्ट हो जाते हैं तो हम हमेशा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जनरली हमारे पास जब वेक्टर्स के होते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स है, डॉट एंड क्रॉस। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आया, ए बी कॉस थीटा। तो मतलब जो आंसर आएगा ना हमारे पास उसमें कहीं पे भी वेक्टर नहीं है, तो जिसमें वेक्टर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। तो दिस क्वांटिटी इज स्केलर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बोलते हैं ये कि वेक्टर डॉट वेक्टर अगर आप कर रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है, तभी हमने इसका नेम क्या रखा है हमारे पास डॉट। ऑलराइट, तभी हमने इसका नेम क्या रखा है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ, हमारे पास वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस किया, ठीक है, और हमें मिला ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस किया, क्रॉस, ठीक है, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस करके हमें एक वेक्टर ही मिला, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर मिला, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब एग्जाम में वो बड़े चलाक है, उनको पता है कि डॉट एंड क्रॉस तो आप सबको पता होगा, बट स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स आपको दिमाग से निकल जाएंगे नेम्स, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी मिले तब हम हमेशा उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास वेक्टर को क्रॉस करके वेक्टर मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जनरलाइज बात बता रही हूँ, देखो 3D में हमारे पास ये पिक्चर होती है ना, 3D बनाया मैंने एक, ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड हमारे पास, ठीक है। एक्स की तरफ आई कैप होता है, वाई की तरफ हमारे पास जे कैप होता है, और जेड की तरफ हमारे पास के कैप होता है, ठीक है। तो ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है, डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन कौन दे रहे हैं, यूनिट वैक्टर्स दे रहे हैं। आई कैप जे कैप एंड के कैप जो है ये क्या है, यूनिट वैक्टर्स है, ठीक है, और ये डायरेक्शन दे रहे हैं तीनों एक्सिस की तरफ। अगर किसी के साथ आई लग रहा है तो मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। अगर किसी के साथ जे लग जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वो किसकी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। अगर किसी के साथ के लग जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा कि वो जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि ये पूरे जो सेट है ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करके बताती हूँ यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ। तो हमारे पास सिर्फ पहले हम डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट की डिस्कशन के नीचे बताती हूँ, इसको इधर ले आते हैं सो दैट डायग्राम सामने सामने दिखती रहे। आई कैप डॉट आई कैप वैक्टर इंटू वैक्टर, वैक्टर इंटू वैक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैक्टर डॉट वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर डॉट वैक्टर इज इक्वल टू दोनों वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही तो लिखा हुआ है। तो यूनिट वैक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, One. Yes, यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1।
यूनिट वेक्टर्स का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, अपनी कुछ नई वैल्यू नहीं लेके आते, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, मैग्नीट्यूड लिखना था, ए और बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहे हैं वन, फिर बी कौन सा है आई कैप है फिर से वन, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन इन दोनों वेक्टर्स के। अब देखो अगर मैंने आई बनाया तो एक आई इधर बनाया, दूसरा आई भी इधर बनाया, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया आई डॉट आई में, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, कॉस 0 डिग्री, गॉट इट। कॉस 0 डिग्री लिखा मैंने, तो आई डॉट आई में कॉस 0 डिग्री आया, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, वन तो इसका मतलब आई डॉट आई कितना हो गया वन। वन अब मैं ऐसी जे लिख के देखती हूँ, जे डॉट जे, जे फर्स्ट वेक्टर है मतलब ए है और दूसरा जे बी है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया वन, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर्स है। फिर से जे जे की तरफ कॉस 0 डिग्री, फिर से इनका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, जो आंसर है वो कितना। अच्छा आप नोटिस करो जरा, वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, और देखो मुझे स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, देखो वन वन, कोई वेक्टर नहीं है साथ में, कोई डायरेक्शन नहीं है साथ में, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं के डॉट के भी लिख दूं तो वो कितना आएगा वन, ठीक है। तो इसका मतलब आज के बाद बड़ी क्लियर बात हो गई हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में, कि अगर सेम का सेम के साथ प्रोडक्ट करेंगे हम तो हमेशा हमें कितना मिलेगा, सेम का सेम के साथ वन मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो अभी देखते हैं आगे, अब जानबूझ के मैं इधर लिख रही हूँ सो देट एक सामने डायग्राम दिख जाए आपको। आई का मैं जे के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट। तो पहले यूनिट लिखते हैं, यूनिट वेक्टर वन, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर वन, ए बी हो गया, कॉस थीटा कितना आया आई और जे के बीच में, कॉस 90 डिग्री। देखो आई और जे के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा आई और जे, जीरो जीरो। तो इसका मतलब कि अगर वो सेम का सेम के साथ आए तो वन देता है, किसी और के साथ आएगा तो हमेशा जीरो देगा। अब देखना नोटिस करना, जे और के का करूंगी तो मैं वन इंटू वन इंटू कॉस 90 डिग्री, के और आई का करूंगी तब भी 90 डिग्री, या फिर जे और आई ऑर्डर चेंज कर दो, जे डॉट आई कर दो आगे पीछे कर दो, तब भी वन इंटू वन कॉस 90 डिग्री, तो ये भी जीरो। तो इसका मतलब सेम का सेम के साथ क्या देगा वन, और ऑपोजिट के साथ कितना देगा जीरो। तो क्या मैं इसका ऑर्डर लिखूं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, जे डॉट जे इज इक्वल टू वन, के डॉट के इज इक्वल टू वन, हमारे पास आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, जे डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। देखो अगर मैं जे और आई बोल रही हूँ ना, तो कहने का मतलब है ये अपने दिमाग में डिफॉल्ट बिठा लेना कि मैं साथ में कैप भी बोल रही हूँ, ठीक है ना, मैं कैप की ही बात कर रही हूँ। ऑलराइट, अच्छा तो और किस 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 का कितना कितना आएगा जल्दी बताओ, यहाँ पे j डॉट k ऑर्डर में चलते हैं ना, j डॉट k इज इक्वल टू जीरो, k डॉट j इज इक्वल टू जीरो, एंड देन वी हैव लास्ट हमारे पास k डॉट i इज इक्वल टू जीरो एंड i डॉट k इज इक्वल टू जीरो। तो नोटिस करो जरा, सिर्फ सेम का सेम के साथ वन आया, बाकी सबके साथ उसका आंसर कितना आया जीरो, बाकी सबके साथ आंसर कैसा है जीरो, ठीक है। तो अब मैं इसमें चार ऑप्शन देती हूँ आपको, मतलब मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ, तो आप लिखना साथ ही साथ, लिखिए डॉट प्रोडक्ट में पॉइंट्स लिखिए। नंबर वन पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट में नंबर वन पॉइंट लिखिए, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ then its value will be one, ठीक है। अगर वेक्टर का मल्टीप्लाइड की ब्रैकेट में लिख लो डॉट, डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो उसका क्या आएगा आंसर वन आएगा। If vector a and b has, या फिर इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी, डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा इनका, जीरो जीरो, ठीक है। तो
तो वन कब आएगा जब सेम का सेम के साथ करेंगे, और जब हम क्या करेंगे ए डॉट बी का करेंगे तो 90 डिग्री, बिकॉज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम लिख देंगे ए डॉट बी वेक्टर जो होगा वो होगा ए बी कॉस 90 डिग्री, तो हमारे पास हो गया 0। ठीक है, आगे ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखना, नोटिस करना, अब ना आपको ना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे आएंगे कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया, तो तुमने क्या सोचना है कि मैं इसका क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तभी उसका आंसर अगर 0 बन गया तो ये दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। गॉट इट? अगर मतलब उनकी परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो अब हम क्या बोलेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट करवा दो, और अगर आपका आंसर 0 आता है तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है? तो अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, आप देखना कि कैसे आएगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं हमारे पास लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसको करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इफ ए वेक्टर आपको गिवन है लाइक दिस, 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, एंड बी वेक्टर आपको गिवन है दैट इज 3i -4j प्लस 2k, ठीक है, तो उन्होंने बोला फाइंड ए डॉट बी, ठीक है, तो ए डॉट बी आज सिर्फ वेक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, डॉट बीच में 3i -4j प्लस 2k, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये देखो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो 2.3, सबसे पहले ये इसको पूरी ब्रैकेट के साथ करूंगी तो ये कितना आएगा, 2 3 कितना हो गया 6, नंबर तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 3 6, ठीक है, आई डॉट आई साथ में आई डॉट आई है, ठीक है, प्लस फिर 2 को इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 into -8, -8 हमारे पास, और आई डॉट जे हो गया, ठीक है, प्लस फिर से 2 into 2 करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 आई डॉट के हो गया, आई डॉट के हो गया, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ऐसी मैं इसको पूरी ब्रैकेट के साथ करूंगी, ऐसी इसको पूरी ब्रैकेट के साथ करूंगी, बहुत लेंदी हो जाएगा, पर अभी हम पढ़ के हटे हैं कि अगर आई डॉट आई है तब हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर -8 है और यहाँ पे आई डॉट जे है तो इसकी ब्रैकेट में 0, इसकी ब्रैकेट में 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो क्यों ना मैं सिर्फ आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ, दैट विल बी माई आंसर, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ एंड के वाले को के के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तब मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं करूं मल्टीप्लाई, तो देखते हैं आंसर कितना आया यहाँ पे ए डॉट बी। किसी को कोई डाउट है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा, क्योंकि सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करके ही 1 आ रहा है, अगर एक दूसरे के साथ करेंगे तो वो 0 आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल गिव यू 0, तो मेरे को सिर्फ वो लेने हैं जो इनका आंसर 1 आए, तो सेम का सेम के साथ मल्टीप्लीकेशन ही 1 आता है, तो इसका मतलब आज से हमारा रूल बन गया कि सेम को सेम के साथ 2 3 6, 3 into -4 -12, 6 - 12 आगे कितना है हमारे पास, 4 + 2 8, 4 into 2 8, ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 8 और 4 कितना होता है हमारे पास, हाँ जी 8 और 6 कितना होता है आपके पास, 14 माइनस 12 आपके पास कितना आ गया, 2, यही आया आंसर सबका, यस क्लियर। तो आज के बाद जब भी डॉट प्रोडक्ट आए ऐसे दो वेक्टर्स का, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करवाना, सब्ट्रैक्ट कर देना और आंसर आ जाएगा आपका। दूं मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को, चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, देखते हैं आप लोग कैसे करते हो, ठीक है, कीजिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन है, पी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास 4i - 3k, ध्यान से, अब जिसमें नहीं दिया हुआ कुछ गिवन, जैसे एक चीज नहीं गिवन आपके पास यहाँ पे, तो आपको क्या करना है वहां पे 0 लिख देना है, ठीक है, और आगे है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू आपके पास 2j + 4k, फाइंड
डॉट क्यू। फाइंड आउट कीजिए पी डॉट क्यू को। मैम -12 आया आंसर सबका, यही आ रहा है। बिल्कुल सही है। यस बिल्कुल एप्रोप्रिएट। देखो हमारे पास कैसे होगा, पी डॉट क्यू ठीक है, तो 4i कुछ नहीं है बीच में, तो प्लस 0j कर लेना सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। 3k का डॉट प्रोडक्ट करना है, 2 2 नहीं है हमारे पास, तो 0i प्लस 2j प्लस 4k। अब असेंबल कर लिया, अब तुम्हें मिस्टेक नहीं होगी। i का i के साथ 4 इंटू 0 0 प्लस 0 का ये 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू प्लस करके माइनस 3 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास -12। ये 0 प्लस 0 -12, तो आंसर इज -12। इजी ठीक है, इजी है ना ये। ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, है ना। अच्छा तो अब आते हैं इसका एक लेवल अप। जब भी हम किसी वेक्टर का, सपोज करो मुझे ए ये दिया हुआ है ठीक है, ये वेक्टर दिया हुआ है इसका मुझे, ये तो वेक्टर है, 4i प्लस 0j माइनस 3k इज अ वेक्टर। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसे लिख लो या फिर खाली p लिख लो। मतलब अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगी। ये होता है ना हमारे पास ऑर्डर, ये वेक्टर की फॉर्म लिखने की जनरलाइज फॉर्म होती है xi प्लस yj प्लस zk। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास वेक्टर कितना आ गया यहाँ पे, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है। p इज इक्वल टू हमारे पास 16 प्लस 9, तो ये कितना आ गया 25 अंडर द रूट, तो 5 इज द आंसर हमारे पास ठीक है। तो ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड क्या होता है, जो जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे उनका स्क्वायर ऐड कर दो और अंडर रूट में लिख दो, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा ठीक है। कर लिया नोट डाउन यहाँ तक सबने? हम 2 मिनट्स। अच्छा तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइज फॉर्मूला है वो कौन सा है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से मुझे cos theta निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? cos theta। यहाँ से मुझे cos theta कैसे? a vector dot b vector upon a b upon a का magnitude into b का magnitude, है ना। तो मतलब कि हमने बोला कि generalized formula है a dot b ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया a b cos theta ठीक है। तो मुझे angle निकालना है, तो cos theta ऐसे ही रखते हैं, a b उधर चला जाएगा, तो a डॉट बी, पहले आप ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे फिर उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करवाओगे नीचे ठीक है। तो इस तरह आपका एंगल फाइंड आउट कर होगा। तो आज मैं आपको अभी एंगल फाइंड आउट करने के आंसर्स देती हूँ, मेथड देती हूँ क्वेश्चंस ठीक है। क्लियर, ये वाली टाइप क्लियर होगी जब खाली वेक्टर्स आएंगे। अब देखते हैं कि आपको साथ के साथ एंगल भी फाइंड आउट करना है आज, क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है अभी तक जितना करवाया उसमें? क्लियर है ना? चलूं मैं आगे फिर? यस मैम। चलो फिर ठीक है। तो वी हैव, अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, सब देख लो ध्यान से। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा है, तो मैं पूछूंगी एंगल कितना है, तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, अकेले अकेले का मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उनको डिवाइड करोगे ओके? चलो फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट हम लोग ठीक है। तो आपके पास है क्वेश्चन ठीक है, लिखिए जरा क्वेश्चन 3 आपके पास है हमारे पास। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास माइनस आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप ठीक है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
find angle between a vector and b vector. हाँ जी क्लियर है, तो कैलकुलेट करो. पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना ए और बी का, फिर उनके अकेले अकेले के मैग्नीट्यूड. पहले देखो मैं आपको ऑर्डर लिख के बताती हूँ, आपने वही ऑर्डर निकालना है. पहले इसका डॉट प्रोडक्ट, फिर ए का मैग्नीट्यूड अलग से निकालना, बी का मैग्नीट्यूड अलग से निकालना, फिर उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, हम 3/4 नहीं चेक करो. हाँ जी 1/2 इज द राइट. तो कितना एंगल आ गया, 1/2 कॉस का कितना होता है 60. यस मैम आ गया कटी. हाँ जी बाकी लोग, महक देखो जब डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये 1 है ये माइनस 1 है, तो 1 × -1 आई का आई के साथ, प्लस 1 × 2 1 × 2 −2 × −1 + −2 × −1. तो आपके पास कितना आ गया, −1 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया आपके पास, ठीक लिखा है ना मैंने, −1 + 2 + 2. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 6 4 3. ठीक है, ये 3 हो गया. अब यहाँ पे आते हैं कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है. 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर − 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + −2 का स्क्वायर, x² + y² + z² इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, √6. यहाँ पे कितना आ गया अब आपके पास, −1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर − 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे √6. अब देखो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, ऊपर है 3, नीचे √6 × √6, 3/6 1/2. अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा, cos थीटा तो ऐसे ही लिख दूंगी, 1/2 cos का कितना आता है 60 का आता है, तो मैं इसको लिखूंगी cos 60 degree. cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 degree. जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐसे लिख देना, ठीक है. यूजुअली जो आपको आती है वो प्रॉपर एंगल्स आते हैं. अगर नहीं आ रहे एंगल, सपोज करो, सिर्फ मैं सपोज कर रही हूँ यहाँ पे, अगर एंगल आता cos theta is equal to, जैसे सीरत ने निकाला 3/4, तो आपको एंगल निकालना था, तो आप थीटा इधर कर देते और उधर जाके cos inverse 3/4 लिखा होगा, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में. क्लियर, अगर तो एंगल प्रॉपर मिल रहा है तो आप ऐसे लिख देना, अगर एंगल प्रॉपर नहीं मिल रहा तो आप उसको थीटा इज इक्वल टू ऐसे करके लिखाना, हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस मैम. तो दो एक और, बस इसमें से एक और करते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं. तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. तो लिखिए ए वेक्टर है आपके पास i + j + k, एंड बी वेक्टर है आपके पास −2i − 2j − 2k. ठीक है, सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है आपको. आया किसी का आंसर? ए डॉट बी कितना आया? हम −1 आ रहा है. A dot B. No ma'am. Cos theta. अच्छा cos theta. A dot B −√2. A dot B. −√2. No. −6. −6 आएगा. देखो आपके पास −6 आ रहा है.
माइनस टू माइनस टू माइनस टू, क्यों? ये देखो ना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका कोफिशिएंट इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इसके साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ एंड के का के साथ. मैम आंसर माइनस रूट टू. अच्छा आंसर माइनस रूट टू. नो नो नो, देखो अभी मैं निकालूंगी मॉड इसका. तो मॉड कैलकुलेट किया तो फर्स्ट वाले का तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? रूट 3. ठीक है, और बी का कितना आया आपके पास देखना जरा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी रूट 12. ठीक है, दैट इज 2 रूट 3, है ना. तो कॉस थीटा कैलकुलेट करना है हमें, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास, तो ये कितना आ गया, माइनस 6 बाय रूट 3 इंटू 2 रूट 3. ठीक है, तो माइनस 6 बाय 2 इंटू 3, तो ये माइनस 6 बाय 6 हो गया, ये माइनस 1. तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1. कॉस थीटा माइनस 1 कितने पे होता है? 180. cos 180 डिग्री, cos से cos कैंसिल, तो ये 180 डिग्री. देखो कितना फाइनली ये आया. वैल्यूज ही तो निकालनी है, हर बार मेथड सेम रख रही हूं मैं. अभी तो साथ में देखो मैंने हर टाइप करवा दी, सो दैट कि अगर आपको ऐसे डाउट भी आए तो आपको वो कंफ्यूजन ना हो. चले आगे क्रॉस प्रोडक्ट पे. यस, क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं अब हम. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास मेथड कुछ इस तरह से है. ध्यान से सुनना आप क्रॉस प्रोडक्ट की स्टोरीज, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टू. ठीक है, अब देखो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का जनरलाइज फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड. इसमें साइन थीटा है और साथ में एन कैप है. एन कैप का मतलब हो सकता है कोई कुछ भी हो, आई जे के कुछ भी हो. इसका मतलब है डायरेक्शन देना. इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन दे रहा है और ये पूरा पोर्शन क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड. तो बन गया ना वेक्टर. जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है वो क्या होता है, हमारे पास वेक्टर होता है. तो अब ऑर्डर में चलते हैं. आई इसी तरह था ना हमारा, आई जे के, जे इधर होता है, आई इधर होता है, एन के इधर होता है. तो ऑर्डर यही रखते हैं, आई जे के. तो आई से जे की तरफ जाना है, इधर से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है. आपने ऑर्डर बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना. अब ध्यान से देखते हैं कैसे होता है. आई क्रॉस आई, आई को आई के साथ क्रॉस किया तो वन का मैग्नीट्यूड इंटू वन का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो डिग्री इंटू डायरेक्शन देते हैं. रुक जाओ अभी. अब हमारे पास क्या हुआ कि देखना जरा, आई को आई के साथ, सेम को सेम के साथ किया तो इन दोनों में एंगल कितना है, जीरो डिग्री. तो साइन जीरो कितना होता है अगर एन कैप भी है, तो ये कितना हो गया, जीरो. साइन जीरो जीरो होता है ना, ये पूरा कितना हो गया, जीरो. जे क्रॉस जे करूंगी तब वो भी जीरो, के क्रॉस के करूंगी तब भी जीरो. अब आते हैं साइक्लिक ऑर्डर पे, आई क्रॉस जे करूंगी तो ये कितना आएगा, वन इंटू वन इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, वन इंटू वन इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री. अब डायरेक्शन देखनी है मुझे, एन कैप नहीं लगाया अभी मैंने, वो लगाने लगी. तो देखो आपने जब भी क्रॉस प्रोडक्ट रखना है ना, तो ध्यान से देखना, राइट हैंड थम रूल से आपने आंसर्स देने हैं. देखना अब देखो यहाँ पे रखा हुआ है ना मेरे पास, या मैं आपको क्लियरली और बना देती हूँ, आई जे के. ठीक है, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू. जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा, आई इज द फर्स्ट वेक्टर, जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा उस पे अपना हाथ प्लेस कर देना इस तरह से, और कर्ल करते हुए लेके जाना सेकेंड वेक्टर तक, कर्ल करते हुए लेके जाना सेकेंड वेक्टर तक, कर्ल करते हुए मैं लेके गई इसको सेकेंड वेक्टर तक. और जैसे मैं कर्ल करते हुए सेकेंड वेक्टर तक लेके गई, तो जो मेरा थंब है वो किस डायरेक्शन में दे रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. अपवर्ड डायरेक्शन कौन से एक्सिस हो गए, अगर इधर एक्स है इधर वाई है, तो अपवर्ड कौन सा हो गया, जेड एक्सिस. दोबारा से फर्स्ट वेक्टर राइट हैंड थंब रूल से देना है. फर्स्ट वेक्टर पे आपने अपना हाथ रखा, फर्स्ट वेक्टर पे हाथ रखा, ठीक है, क्रॉस सेकेंड वेक्टर तक ले जाओ. क्रॉस सेकेंड वेक्टर तक ले गई, सेकेंड वेक्टर तक ले जाके मेरे पास कहाँ पे आया, अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे. तो डायरेक्शन किसने दी, ये रूल ने डायरेक्शन दी, ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन कितनी आ गई, के कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऊपर की तरफ कौन से एक्सिस है, जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस के पास क्या होता है, के. ठीक है, तो इसका मतलब
ये भी कितना हो गया, वन इंटू वन इंटू वन, क्योंकि 90 भी वन होता, तो के कैप. इसका मतलब इतना बन गया आई क्रॉस जे मेरे पास हो गया के कैप. ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना, मैं ऑर्डर को रिवर्स कर रही हूँ ध्यान से. ठीक है, ऑर्डर को रिवर्स कर रही हूँ, मैंने आई डॉट जे किया था, आज मैं जे क्रॉस आई करूंगी. तो वन इंटू वन इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री. अब डायरेक्शन देखना. अब क्या हुआ, जे क्रॉस आई है ना, तो फर्स्ट वेक्टर इज जे, तो फर्स्ट वेक्टर पे मैंने अपना हाथ रखा, मैंने अपना हाथ रखा फर्स्ट वेक्टर पे, कर्ल करना शुरू किया सेकंड वेक्टर की तरफ, कर्ल करना शुरू किया मैंने सेकंड वेक्टर की तरफ. ये देखो आई पे हाथ रखा, कर्ल करना शुरू किया सेकंड वेक्टर की तरफ, तो मेरा थंब कहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन दे रहा है. अगर अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव के कंसिडर किया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा के हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ के, नेगेटिव. तो इसका मतलब जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के. ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हो, अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हो, तो आपको थर्ड ऑर्डर थर्ड वेक्टर मिलेगा प्रोडक्ट में, और वो भी पॉजिटिव में. इसी ऑर्डर में चल रहे हो, अगर आई जे आई क्रॉस जे, तो के मिल रहा है आपको अगर इसी ऑर्डर में चल रहे हो. और अगर आप ऑर्डर रिवर्स कर देते हो, ये ऑर्डर हो जाता है आपका, तो आपका आंसर नेगेटिव के आ जाएगा. ठीक है, तो अब मुझे बताओ जे और के का कितना आएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप. हाँ, और अगर मैं ऑर्डर रिवर्स करती हूँ, तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप. ठीक है, अब फिर से ऑर्डर में चलते हैं, के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई हमारे पास कितना आ गया, जे कैप. और अगर आई क्रॉस के करूंगी मैं, तो वो क्या होगा, माइनस जे कैप. ठीक है, तो ऑर्डर आपको यही रखना है, आई जे के इस ऑर्डर में ही चलना है. तो ये आपको इन दोनों का प्रोडक्ट ये देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये देगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला दे देगा. गॉट इट? यस. पर सेम का सेम के साथ कितना है इसमें, जीरो जीरो. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम. अब क्या हुआ हमारे पास, जब हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो सपोज करो कि आपको दो वेक्टर्स दिए, पहला वेक्टर है ए आई प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. एक्चुअली अब क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे ये दो वेक्टर्स दे दिए. अब मैं जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था, सेम का सेम के साथ करूंगी, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाता है, मल्टीप्लाई करके वन. डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ वन. ठीक है, क्रॉस में सेम का सेम के साथ जीरो हो जाएगा. तो मैं ऐसे दो ब्रैकेट्स रख के इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करती, जैसे उसमें किया था ना. ये देखो यहाँ पे ऐसे दो ब्रैकेट्स को ऐसे रखा और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करवा दिए, सेम का सेम के साथ वन है, सेम का किसी और के साथ तो जीरो हो गया. ऐसे मैं इसको कभी भी नहीं करवाऊंगी. तो इसको लिखने का एक मेथड है. अब इसको लिखने का मेथड कैसे होगा, आपने हमेशा क्या करना है, जो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है ना, तो ए क्रॉस बी लिखूंगी मैं अब. ठीक है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा, पहली ऐसे आप दो लाइंस लगाओगे जिसको डिटरमिनेंट बोलते हैं. ठीक है, और ऐसे इन तीनों को लिखोगे आई जे के. फर्स्ट वेक्टर जो भी वेक्टर होगा, यहाँ पे ए फर्स्ट है, अगर बी लिखती मैं पहले तो बी लिखते आप, आई वाला आई के नीचे ए एक्स, फर्स्ट वेक्टर का आई वाला आई के नीचे वाई वाला जे के नीचे के वाला के नीचे, ऐसी इसका बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. गॉट इट? अब ऑर्डर याद रखना. अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जिस जैसे अब मुझे आई निकालना है, तो अब आपने क्या लिखना है, तीनों ब्रैकेट्स लिखनी है. रुको नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ आप लोगों को. अच्छा, यहाँ तक ऑर्डर आप लोगों को समझ आ गया कि मैंने एक क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है ए क्रॉस बी. ठीक है, यहाँ पे आई जे के, राइट, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जी और बी एक्स बी वाई बी जी. ठीक है, लिख दिया. अब अगर मुझे आई निकालना है, तो मैं ऐसे एक ब्रैकेट लिखूंगी आई, फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव,
सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव एंड थर्ड फिर से पॉजिटिव, अल्टर पे चल रही है, तो सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव, पूरी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव और जे कैप, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं स्क्रीन पे इतना ही शो कर रही हूँ, तो मैं इधर लिख रही हूँ, आपने एक ही लाइन में लिखना है, प्लस थर्ड ब्रैकेट है दैट इज के कैप वाली। जब आई वाला निकालना है तो आई के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को कवर कर देना है, देखो ये दोनों को कवर कर दिया, आई का दिख नहीं ना रहा आप, ये दोनों नहीं दिख रहे अब, ठीक है। अब बच क्या गए, ये चार, ठीक है, तो इस चार में जौन सा निकालना है उसको कवर कर देना है। अब इस चार में आपके पास क्या देखना है, ऊपर से नीचे, ध्यान से, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, मैं जान पूछ के ये फोनेटिक्स यूज कर रही हूँ सो देट आपको लर्न रहे, तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ध्यान से ए वाई बी जेड इन माइनस नीचे से ऊपर बी वाई ए जेड, ओके। सेकेंड वाला कॉलम नेगेटिव आया तो जे वाला है तो जे का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कवर कर देना और हॉरिजॉन्टल भी कवर कर देना, फिर चार कौन बच गए, ए एक्स बी जेड और बी वाई, ऊपर से नीचे ए एक्स बी जेड, ऊपर से नीचे, बीच वाला नहीं देखना है क्योंकि उसको कवर किया हुआ है, नीचे से ऊपर माइनस बी एक्स ए जेड, ओके। अब थर्ड वाला देखते हैं, के वाला पॉजिटिव है, राइट पॉजिटिव है, इसका वर्टिकल भी कवर और हॉरिजॉन्टल भी कवर, तो फिर से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, इज इट क्लियर। अगर आप बुक्स में देखोगे ना, तो जब आप बुक्स में देखोगे ना तो सब में उन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव रखा हुआ है, आई के आगे भी, जे के आगे भी, के आगे भी, और यहाँ पे ये नेगेटिव अंदर इवॉल्व कर लिया हुआ है, तो ऐसे कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मली करना है, पहले वाली सारी पॉजिटिव, आई वाली, जे वाली नेगेटिव और के वाली पॉजिटिव। पूछो, दोबारा से रिपीट करूं, देखो आपने क्या करना है, वेक्टर्स को ऐसे लिखना है, डिटर्मिनेंट में आई जे के लिख देना है, जो पहला वेक्टर होगा पहले उसकी सारी कॉफिशियंट्स आई जे के, फिर जो सेकंड वेक्टर होगा फिर उसके कॉफिशियंट्स आपने लिख देने, फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स लगानी है, आई लिखना है प्लस का, फिर माइनस का जे लिखना है आपने ब्रैकेट लगा के, फिर प्लस का आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है, तो फिर आई, जब आई वाला फाइंड आउट करना है तो आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल उसकी कवर करके ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, जे है तो जे वाली पूरी कवर कर देनी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, के है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कवर करके ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, क्लियर, इजी, यस मैम, ठीक है। तो अब मुझे फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दो, क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई टू जे प्लस फाइव के, फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, क्लियर, ए क्रॉस बी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब देखो ए क्रॉस बी करना था, ठीक है, आई जे के लिखना था, लिख दिया, सबसे पहले आई के कोफिशिएंट्स कर लेते हैं, फिर थ्री फिर फोर, ठीक है, फिर आएगा थ्री टू फाइव, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट्स लिखूंगी मैं, आई की माइनस ब्रैकेट जे की
फिर प्लस ब्रैकेट के की, ठीक है? तो वो ये वाली लाइन पूरी छोड़ देनी ऊपर से नीचे, 15 माइनस 12 कितना हो गया आपके पास? नहीं सॉरी, 15 माइनस 8, 2 4 8 होता है ना, 15 माइनस 8, फिर जे वाली ब्रैकेट हमारे पास, ये वाला पूरी लाइन लीव कर दो, इग्नोर कर दो, इधर भी इग्नोर कर दो, तो 2 5 10 10 माइनस 12, ठीक है आपके पास? फिर इधर ये इग्नोर कर दो आप लोग, तो फिर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 9, ठीक है? तो इसको अगर आप लिखोगे तो 7 i कैप, ये है आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 2 j कैप, और फिर ये कितना आ गया, -5 k कैप। देखो इजी है, ठीक है? तो अब इसके जो पॉइंट्स है वो क्या बोलते हैं, इसमें हम एंगल तो नहीं फाइंड आउट करते, ऐसे ही रखते हैं, मतलब एंगल्स को फाइंड आउट करना इतना वो नहीं आता इसमें। इसमें क्या बोलते हैं कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, कितना आया था एक सेम का सेम के साथ, 0, इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो इसका मतलब अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 0 डिग्री एंगल कितने में होता है, साइन 0, अगर मैं लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो किस में आता है, अगर दो पैरेलल लाइंस हो, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या चेक करेगा, अगर आपको एग्जाम में आया, ध्यान से सुनना, अगर आपको एग्जाम में आया कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आप कैसे प्रूव करोगे उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट? यस, आप ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, एंड अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है आपके पास, तो फिर आप क्या बोल दोगे कि वो हमारे पास क्या है, पैरेलल, ठीक है? तो वो क्या है हमारे पास, पैरेलल, ठीक है? अब आगे चलते हैं, देती हूँ आगे जाके, ठीक है? सेकेंड है आपके पास, अगर इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अनदर वेक्टर, जैसे a क्रॉस b, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ, टेकन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये पूरा ब्रैकेट और बॉक्स जो हमने अभी किया है, ऊपर ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, ठीक है? क्लियर? अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, क्वेश्चन, शो दैट a वेक्टर आपके पास 2i माइनस जे प्लस 3k, एंड बी वेक्टर है आपके पास 4i माइनस 2j प्लस 6k आर पैरेलल, पैरेलल प्रूफ करो इसको। पैरेलल प्रूफ कीजिए इसको जल्दी। लिखिए क्या आगे? यस मैम, 0 आ रहा है। 0 आ गया। 0 आ गया। बाकी लोग भी कर रहे हैं क्या कोई? देखो ए क्रॉस बी किया होगा आपने, और आपने ऐसे लिखा होगा आई जे के, राइट? फिर इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2 -1 3 4 -2 6, ठीक है? तो फिर आपने लिखना होगा आई कैप माइनस ब्रैकेट में जे कैप प्लस ब्रैकेट में के कैप, ऊपर से नीचे इसको रिमूव कर दोगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6, ठीक है? फिर यहाँ पे 12 -12, फिर यहाँ पे आपके पास -4 + 4 आ रहा है, तो इट विल बी 0i माइनस प्लस 0j - 0k will be 0. Got it? Clear? समझ आ गई कैसे करने है ये? ठीक है, अब दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं कि कैसे है। किसी को कोई डाउट है
यहाँ पे, तो बता दो मेरे को अभी भी, किसी को कोई भी डाउट है इसको इससे रिलेटेड तो बता दीजिए प्लीज। देखो अब आपको क्या लिखना है कि ट्रायंगल और पैलोग्राम के एरियाज निकालने हैं, तो जब भी हमारे पास लिखिए रिमेम्बर करके, ठीक है। नंबर वन, जब आप ए पैलोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे तो वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलते हैं, तो फिर एरिया ऑफ पैलोग्राम, याद रखना एरिया ऑफ पैलोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी, वो कैसे देंगे, मैग्नीट्यूड लेना है आपको किसका, ए क्रॉस बी का। अब मैग्नीट्यूड इन द सेंस कैसे आया आपके पास, देखो अभी यहाँ पे मैंने एक वेक्टर कैलकुलेट किया था 7i + 2j - 5k, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो वो कैसे आएगा, जब भी ऐसे मॉड की लाइंस बन जाती है उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो 7 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + (-5 का स्क्वायर), ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये सपोज करो कुछ भी नंबर आ रहा है तो इतने स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ गया किसका, पैलोग्राम का। गॉट इट, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। अब सेकंड में आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो एरिया निकालना है जब भी तो वो होगा हाफ फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, हाफ कर देना उसका। थर्ड आता है जो कि थर्ड वाला ही है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालना है बाय टू डायगनल्स, और टू डायगनल्स है पी एंड क्यू, तो अगर आपको एरिया निकालना है टू डायगनल से तो इसका कितना आएगा, हाफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। तो जब आप डायगनल से एरिया निकालोगे तो आपको इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना है उसका, क्लियर? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैं एक फटाफट से क्वेश्चन दूं आप करके फिर दैट विल बी आवर लास्ट फॉर टुडे। ध्यान से, अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ उनका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और अगर आपको ऐसे निकालना है तो हाफ इनटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और अगर डायगनल्स दी होगी तो डायगनल्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करोगे फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर उसका हाफ करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन दू मैम 2 सेकेंड। देखो जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो ना तो ये लेक्चर तो अपडेट हो जाएगा, तो जितनी बार इसको देख सको ना, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आप उतनी बार इस पूरी वीडियो को सुनना, उतना ही आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी ये सारी बातें। एक बात को हम बार बार जितना सुनेंगे उससे हमारे पास क्या होता है, फायदा ही होता है। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. लिखिए फिर आगे, आपको दे रखा है ये रही, the diagonals of parallelogram are given by vectors 3i + j + 2k and b = i - 3j + 4k, find area of parallelogram, area find out करो parallelogram को। चलिए सब कीजिए, मैं भी साथ के साथ करती हूँ। पहले तो ए क्रॉस बी निकालोगे आप, तो आप इसको फिर ब्रैकेट्स में लिखोगे, ऊपर से नीचे -, नीचे से ऊपर 4 + 6
ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? -10. ये मैग्नीट्यूड आया -10? नहीं, अभी तो मैग्नीट्यूड निकालना है हमने. अंडर रूट 300, राइट. हाफ तो किया नहीं अभी. नो मैम, वो एरिया के लिए. अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो? yes. ये है ना, ये अंडर रूट 300 आ गया. अब क्योंकि ये क्या थी, डायगनल्स थी, ध्यान से सुनना, डायगनल्स थी ये. तो डायगनल्स का फॉर्मूला अभी लिखवाया आपको कि जब भी डायगनल्स होंगी तो हाफ जरूर करना है उससे, मैग्नीट्यूड से. देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा? हाफ अंडर रूट 300 स्क्वायर यूनिट्स. इसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगी आपके पास. बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो. क्लियर है सबको? अनुभव? यस मैम. क्लियर है ना सारा? ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे. किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो, पूरे उसमें जो भी करवाया है आज के लेक्चर में. एनीथिंग यू वांट टू नो? हाँ जी, आंचल, महक, स्नेहा, जानवी, इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा. डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते जाओ और बस फाइनल आंसर मैच करना. बस आपको ये मेथड हमेशा याद रखना है क्योंकि आगे हर बार काम होने वाला है हमारे पास ये मेथड. क्रॉस प्रोडक्ट तो हम कल परसों के लेक्चर में ही करेंगे, अभी टॉर्क निकालेंगे तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा से यूज होगा. फिर अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या लिखूं मैं. ठीक है, आप लोगों ने नया नया किया है अभी. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन. ओके, थैंक यू मैम. अच्छा, एक और असाइनमेंट दी हुई है ना, शायद वो आज अपडेट होगी होगी ऐप पे, वर्क पर एनर्जी एंड कोलिजन पे होगी. ठीक है, तो उसको ध्यान से करना. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बाय मैम. बाय.